हमसे पहले भी मुसाफिर कई गुजरे होंगे, कम से कम राह के पत्थर तो हटाते जाते। राहत इंदौरी जी का शेर सुनने में जितना अच्छा लगता है उतना ही सार्थक सिद्ध होता है शुभम गुप्ता जी पर। कभी जिनकी आर्थिक परिस्थितियां उन्हें शिक्षा प्राप्त करने से भी रोक रही थी, उन्होंने आर्थिक परिस्थितियों से जूझते हुए कई जॉब की। कभी कंप्यूटर ऑपरेटर बने तो कभी दमोह में न्यूज एंकर। इतनी मेहनत करने पर भी जो उन्हें प्राप्त होता था उससे उनका अपनी शिक्षा प्राप्त करना संभव नहीं था। उन्हें सिर्फ 3,000 रुपए ही मिलते थे, जिसके बाद उनके पेरेंट्स ने एजुकेशन लोन लेकर उन्हें पढ़ाया और फिर उन्होंने मेंस की तैयारी के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी वो मेंस का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए। उसके बाद तो जीवन जैसे ऐसा हो गया था कि किसी की बातें किसी के ताने। लेकिन इन सब बातों का उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो जानते थे कि हार कर रुकना जीवन नहीं बल्कि उठकर चलना और चलते रहना जीवन है। और वो फिर से जीवन में आगे बढ़ते चले गए, अपना मुकाम हासिल किया और एक एजुकेटर के रूप में खुद को स्थापित किया। इनके खुद के जीवन का रास्ता कठिनाइयों से भरा था, जिस पर मुश्किलें ही मुश्किलें थी, परेशानियां ही परेशानियां थी। और दूसरे विद्यार्थियों को अपने जीवन में इन परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इसलिए शिक्षा को किफायती बनाने का लक्ष्य लिए वह जीवन के सफर में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और इस सफर में उनका जो परिवार है वो 1.5 लाख स्टूडेंट का हो गया है। इनके टेलीग्राम ग्रुप में 1.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट हैं। साथ ही इन्होंने इस सफर में चलते हुए अनअकैडमी टॉप एजुकेटर अवार्ड भी हासिल किया है। अनअकैडमी के साथ एक लंबी पारी खेलने के बाद अब ये खान सर के साथ कार्य कर रहे हैं। आइए बात करते हैं शुभम गुप्ता जी से। सी टाइम्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रचना श्रीवास्तव और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं शुभम गुप्ता जी, जो कि सिविल सेवा एकेडमी जबलपुर के को फाउंडर हैं। साथ ही अनअकैडमी में भी पढ़ा चुके हैं और सबसे बड़ी बात ये कि हम सब के जाने माने खान सर के साथ उनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी पढ़ा रहे हैं। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का सी टाइम्स का यहाँ बुलाने के लिए। जी बिल्कुल। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि सिविल सेवा परीक्षा क्या है, इससे किस तरह की जॉब मिलती है? बिल्कुल, तो आज हम दोस्तों सिविल सेवा परीक्षा के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए, सिविल सेवा परीक्षा यूपीएससी का एग्ज़ाम ये दुनिया का तीसरा सबसे कठिन एग्ज़ाम माना जाता है और ये वो एग्ज़ाम है जो भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी आपको दिलाता है। मैम, बहुत सारी जॉब होती हैं पर हमेशा से हमारे गाँव में एक कहावत रही कि कलेक्टर की तैयारी करना है, कलेक्टर बनना है। तो अगर मैं बहुत आसान भाषा में कहूँ तो ये कलेक्टर बनने का एग्ज़ाम है। अब सवाल ये है कि हमारे दिमाग में एक कन्फ्यूज़न होता है कि क्या हम यूपीएससी से सिर्फ कलेक्टर बनते हैं, तो ये गलत अवधारणा है। यूपीएससी देखिए, दो तरीके से सिविल सेवा की परीक्षा होती है। एक होती है केंद्र के स्तर पर जो पूरे इंडिया को कवर करती है और दूसरी होती है हर एक राज्य के स्तर पर। तो अगर हम केंद्रीय सिविल सेवा की बात करें, जिसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अर्थात यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, तो इस परीक्षा का नाम ही होता है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। और इसमें 20 से 25 अलग अलग जॉब होती है। सबसे बड़ी पोस्ट जो आपको सिविल सेवा परीक्षा पास करने पर मिलती है ये होती है आईएएस की पोस्ट अर्थात इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जो शुरुआती दौर में एसडीएम बनते हैं और यहीं से लोग आगे जाकर के जिसे हम कहते हैं डीएम और सामान्य भाषा में हम कहते हैं कलेक्टर की पोस्ट तक पहुंचते हैं। इसके बाद आईपीएस की पोस्ट होती है जिसे इंडियन पुलिस सर्विस कहते हैं, इसके नीचे इंडियन फॉरेन सर्विस की पोस्ट होती है। और ये जो पोस्ट है आईएएस आईपीएस और एक फॉरेस्ट का एग्जाम अलग से होता है, तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस ये अखिल भारतीय सेवाएं कहलाती हैं, ऑल इंडिया सर्विस कहलाती है। अखिल भारतीय सेवा का अर्थ है कि आपका एग्जाम लेने वाली संस्था एक है और आपके हाथ में नहीं है कि आपको भारत में कहाँ पोस्ट किया जाएगा। संस्था आपको भारत के किसी भी हिस्से में रख सकती है क्योंकि आप ऑल इंडिया सर्विस का हिस्सा बनते हैं। फिर कुछ और सेवाएं होती हैं, जैसे कि उसमें एक पोस्टल सर्विस आती है, रेलवे सर्विस आती है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की सर्विस आती है, तो ऐसे बहुत सारी सेवाएं होती हैं। और इस परीक्षा में रैंक का महत्व बहुत होता है। देखिए, आपने हमेशा सुना होगा कि जो वनडे एग्जाम होते हैं उस पर रैंक की उतनी चर्चा नहीं की जाती,
जैसे हाल ही में पटवारी का एग्जाम हुआ, एसआई का एग्जाम, लेकिन आईआईटी सिविल सेवा इसमें रैंक बहुत मायने रखती है, क्योंकि आपकी रैंक ये तय करेगी कि आपको कौन सी पोस्ट मिले। पोस्ट मिले बिल्कुल एग्जाम्पल के लिए कि अगर मान लेते हैं कि सिर्फ आईएएस की 10 पोस्ट निकली है, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि आईएएस शुरुआत के 10 लोगों को ही मिलेगी। अगर मेरी रैंक 11 है तो मैं आईएएस से वंचित रह जाऊंगा और मुझे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की पोस्ट नहीं मिलेगी। अब या तो मैं अगले साल फिर ट्राई करूं, या फिर जो दूसरे नंबर पर आईपीएस की सर्विस है उसी से मैं अपने आप को सेटिस्फाई कर लूं। अब ठीक इसी तरह की जो सेवाएं हैं वो हमें राज्य स्तर पर भी देखने के लिए मिलती हैं। एग्जाम्पल के लिए मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश का एक लोक सेवा आयोग है जिसे हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग कहते हैं। इसका मुख्यालय इंदौर में है। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग भी एक परीक्षा आयोजन कराता है जिसे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग आयोग या मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा परीक्षा कहा जाता है, एमपी स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो इसमें जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है वो डिप्टी कलेक्टर की। अब यहाँ से आप अधिकतम जो जा पाएंगे डिप्टी कलेक्टर, फिर वो बात अलग है कि प्रमोशन होगा, फिर वो एक अलग प्रोसेस है, लेकिन सबसे बड़ी पोस्ट जो आपको मिलती है वो डिप्टी कलेक्टर और यूपीएससी में कलेक्टर। और ठीक जैसे यूपीएससी में आईपीएस की पोस्ट होती है, यहाँ पर आपको दूसरे नंबर पर डीएसपी की पोस्ट मिलती है। फिर और दूसरी सेवाएं हैं, तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, रजिस्ट्रार है, इस तरह की सेवाएं आपको मिलती हैं। तो ये मूल रूप से अंतर है दोनों सेवाओं में, जी और इस प्रकार की जॉब है जो आपको इस परीक्षा को पास करने के बाद मिलती है। पर फिर से एक बात दोहराता दूं कि रैंक का बहुत महत्व है, बहुत क्योंकि आपकी रैंक तय करती है कि आप किस सेवा का हिस्सा बनेंगे। बिल्कुल। ये बताइए सर कि एमपीपीएससी परीक्षा का पैटर्न क्या है? बिल्कुल, देखिए तो एमपीपीएससी जैसा अभी हमने चर्चा किया कि एमपीपीएससी का जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है वो मध्य प्रदेश का हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा एग्जाम है, क्योंकि डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट उससे मिलती है। देखिए जितनी भी सिविल सेवाएं भारत में हैं, चाहे वो केंद्र की सेवा हो, राज्यों की सेवा हो, वो 3 चरणों को फॉलो करती है। जो पहला उनका फेज होता है उसे हम प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कहते हैं, हिंदी में हम इसे प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं। इसके बाद मुख्य परीक्षा होती है, और फिर तीसरा जो और अंतिम चरण जो होता है वो साक्षात्कार का चरण होता है, अर्थात इंटरव्यू का चरण होता है। अब जो प्रारंभिक परीक्षा होती है ये सामान्यतः, ना सिर्फ मैं एमपी की बात करूं बल्कि यूपीएससी या फिर जितने राज्य हैं उन सभी की हम चर्चा करें, तो जो प्रारंभिक परीक्षा होती है वो एमसीक्यू बेस्ड होती है। उसमें हमेशा वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें सामान्यतः 4 विकल्प दिए जाते हैं। अगर हम स्पेसिफिकली एमपीपीएससी की बात करें तो इसके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में 2 पेपर होते हैं, एक GS1 और दूसरा GS2, जिसे CSAT कहना ज्यादा उचित है। तो जो GS1 है, सामान्य अध्ययन का पहला पेपर है, इसमें 100 प्रश्न आते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं, और हर प्रश्न के लिए 2 अंक दिए जाते हैं, और इसमें सारे विषय लगभग आ जाते हैं, जैसे मध्य प्रदेश का जनरल नॉलेज है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, कंप्यूटर भी है, कमीशंस हैं, करंट अफेयर्स हैं, साइंस है, ये सब कुछ पूछा जाता है। लेकिन याद रखिए कि पेपर का नाम सामान्य अध्ययन है, मतलब ये हुआ कि हर विषय की सामान्य जानकारी, किसी भी चीज की विशिष्ट जानकारी नहीं। तो 100 प्रश्न रहेंगे, हर प्रश्न 2 अंकों का रहेगा, मतलब 200 नंबर का पेपर हो गया। और इसमें लगभग जो हाल ही में पैटर्न देखने के लिए मिला है कि तकरीबन आपको 160 के आसपास नंबर लेकर के आना होता है, मतलब 80% स्कोर करना होता है ताकि आप इसे क्वालिफाई कर सकें। फिर एक दूसरा पेपर भी इसमें होता है जिसे CSAT कहते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ये जो CSAT का पेपर है इसमें हिंदी आती है, रीजनिंग आती है, मैथमेटिक्स आती है, लेकिन इस पेपर की एक विशेष बात है, ये पेपर क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ये जो पेपर है इसके मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ते, जो आपका सिलेक्शन है वो पेपर 1 से होना है। बस ये एक क्वालिफाइंग पेपर है जिसमें अगर आपने 40% स्कोर कर लिया तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। इसको और सामान्य अर्थों में हम ऐसे समझे कि अगर मुझे मुख्य परीक्षा में बैठना है तो पहले मुझे प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब प्रारंभिक परीक्षा के जो 2 पेपर हैं उसमें से जो दूसरा पेपर मैंने कहा कि क्वालिफाइंग है, इसका अर्थ यह है कि मेरी पहली कॉपी तभी चेक होगी जब मैं दूसरे पेपर में कम से कम 40% अंक लेकर के आ जाऊं, जी और अगर वो 40% अंक में नहीं लाया तो फिर मेरा पहला पेपर चेक नहीं होगा और मैं सिविल सेवा की रिथ से बाहर हो जाऊंगा। तो
दूसरा पेपर पे भी विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता है कि वो किस तरह का पेपर है, क्या उसका नेचर है। फिर इसके बाद मान लीजिए कि आपने प्रारंभिक परीक्षा कर ली, और प्रारंभिक परीक्षा का उद्देश्य भी बड़ा क्लियर है कि प्रारंभिक परीक्षा एक फिल्टर की तरह काम करती है। जैसे कई बार होता है कि एक पानी बहुत गंदा है, तो हम पहले उसको एक बार छानते हैं, फिर उसे दो बार छानते हैं, फिर हम उस पानी को उपयोग कर सकते हैं। ठीक इसी तरह जो प्रारंभिक परीक्षा है वो एक फिल्टर का काम करेगी। जी अब आप खुद सोच के देखिए कि 3 लाख लोग अगर पेपर दे रहे हैं, तो 3 लाख लोगों को आप सीधे मेंस के लिए नहीं बैठा सकते, क्योंकि बिल्कुल वहां लिखने वाले पेपर हैं, फिर 3 लाख कॉपी को कौन चेक करेगा। तो प्रीलिम्स उसको फिल्टर कर देगी। और जनरली ये नियम है आयोग में कि मान लीजिए 1,000 पोस्ट अगर निकाली गई है, तो इसके 20 गुना लोगों को प्रारंभिक परीक्षा में सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो 20 गुना लोग आप सेलेक्ट करेंगे और फिर वो मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। तो ये फिल्टर का काम हो गया। फिर आप दूसरे चरण पर आते हैं, मुख्य परीक्षा। अब जो मेंस एग्जामिनेशन है एमपीपीएससी का, इसमें बदलाव हुआ था 2020 के आसपास, कुछ चेंजेस देखने के लिए मिले, और इसमें फिलहाल 6 पेपर पूछे जाते हैं। 6 पेपर होते हैं टोटल। इसमें 4 पेपर सामान्य अध्ययन के होते हैं, एक पेपर हिंदी का होता है, और एक पेपर निबंध का होता है। वास्तव में जो पूरी तैयारी में अभी हम रैंक की बात कर रहे थे, जी वो रैंक 2 ही एग्जाम को जोड़ करके बनती है, एक मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू। ये 2 ही आपकी रैंक का निर्धारण करते हैं। प्रीलिम्स जैसा हमने कहा कि वो सिर्फ फिल्टर का काम करेगा। अगर आप वहां 95% भी लेकर के आते हैं, तो उसका सेंस नहीं है, क्योंकि वो आपकी मेरिट में नहीं ऐड होगा, वो आपको मुख्य परीक्षा क्वालिफाई कराएगा। तो ये जी 6 पेपर यहाँ देखने मिलेंगे। इन 6 पेपर में 1400 नंबर होते हैं, 1400 मार्क्स होते हैं। इन 6 पेपरों में भी वही बात है जैसा डिवीज़न यहाँ था, कि पहले पेपर में मुख्य रूप से आपको इतिहास और भूगोल देखने मिलेगा, इसमें एमपी की हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी शामिल होगी। दूसरे पेपर में मुख्य रूप से आपको इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी देखने मिलेगी, कुछ हिस्सा इसमें दूसरे विषयों का भी है, सोशोलॉजी वगैरह। जी तीसरे विषय में मुख्य रूप से आपको विज्ञान, पर्यावरण और भूगोल की कुछ इकाइयाँ देखने के लिए मिलती हैं। चौथा पेपर नैतिक शास्त्र, एथिक्स का होता है। जी पांचवा पेपर हिंदी का होता है, और छठवा पेपर निबंध का होता है। कुल मिला के इन 6 पेपर से 1400 नंबर का एक ओवरऑल पैकेज तैयार होता है। इसके बाद फिर आप तीसरे चरण में आते हैं, जिसे इंटरव्यू कहते हैं, और इंटरव्यू 175 मार्क्स का होता है। और फिर ये 1575 नंबर जो हैं, इन्हीं को जोड़ करके आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। तो ये एक मोटा मोटा पैटर्न है सिविल सेवा का या एमपीपीएससी के एग्जाम। जी तो ये भी बताइए आपकी क्राइटेरिया क्या है, कौन दे सकता है ये? बिल्कुल, तो जो पहली बार शायद इसको देख रहे हो, तो इसके सिर्फ एक क्राइटेरिया है कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। और ग्रेजुएशन में भी कोई भी ऐसी वो नहीं है कि कोई उन्होंने पैरामीटर लगा दिया है कि आप सिर्फ इंजीनियरिंग वाले कर सकते हैं, आर्ट्स वाले। आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, चाहे आप इंजीनियरिंग कंप्लीट करें, जी चाहे आप कोई भी एक पर्टिकुलर जो ग्रेजुएशन है, जो भारत सरकार की तरफ से मान्यता दिया गया है, वो कंप्लीट होना चाहिए। ओके okay. तो ये भी बताइए फिर कि सिविल सेवा की तैयारी किस तरह शुरू की जाए? बिल्कुल, देखिए सिविल सेवा की तैयारी का सबसे पहला तरीका तो यही है कि पहले एग्जाम को समझना होगा, क्योंकि ये एग्जाम वन डे एग्जाम की तरह नहीं है। ये एग्जाम ही, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये एक महासागर में गोते लगाने जैसा एग्जाम है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। और जब आप किसी महासागर की यात्रा के लिए निकलते हैं, तो आज के जमाने में कंपस या जीपीएस का होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ जीपीएस के लिए पहले महासागर को समझिए, पहले एग्जाम को समझिए, एग्जाम के पैटर्न को गहराई से समझिए, इसके पाठ्यक्रम को गहराई से समझिए, और खास तौर पर जो पिछले सालों में प्रश्न पूछे गए हैं उनको समझिए। ये पहला चरण होता है। और एक चीज और है मैम, जो आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। जी जब हम तैयारी करते थे, तो हमारे टीचर हमेशा से ये बोलते रहे कि आप ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। और सच बताएं तो हमने 2 साल की तैयारी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे, पर कुछ समझ नहीं आया। उसका एक रीजन है, जब भी दोस्तों आप तैयारी शुरू करते हैं, एक बात का विशेष ध्यान रखें आप लोग, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस, मैं इनको कहता हूं कि ये सच्चे प्रेमी की तरह हैं। अगर इनको साथ में नहीं देखोगे, तो आपको वो खूबसूरती समझ नहीं आएगी, है ना। तो ये जो है मैम, आप सिलेबस पढ़ें, और उसी सिलेबस में तुरंत आप देखें कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए। उदाहरण के लिए आपने देखा कि पेपर 1 में एक जगह लिखा हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट। तुरंत आप उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें और पता करें कि आखिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्या पूछा जा रहा है।
किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तब आपके दिमाग में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि अच्छा मुझे पढ़ना इस तरह से, ये चीजें हैं जिनको पढ़ने की आवश्यकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। फिर ये पहला चरण हो गया, आपने एग्जाम को समझा, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समझा, अब आप तैयारी करना शुरू करेंगे। तो दो अलग अलग बातें हैं, जैसे अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सामान्यतः पहला चरण होता है कि आप एनसीईआरटी की पुस्तकों को पढ़ें। एमपीपीएससी की तैयारी में ये मेरे अनुभव से मैं बता रहा हूँ कि ये बात ऑप्शनल है, आप चाहें तो एनसीईआरटी पढ़ें, चाहें तो आप सीधा अपने जो स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक हैं उन पर भी आ सकते हैं। रीजन ये है कि एनसीईआरटी से जो प्रकार के सवाल बनते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, और एमपीपीएससी के जो सवाल होते हैं वो बहुत हद तक तथ्यात्मक होते हैं। ओके, तो आप दोनों रास्ते अपना सकते हैं, पर फिर भी अगर आप बिल्कुल पहली बार तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल पहली बार कोई विषय पढ़ रहे हैं, तो आजकल यूट्यूब है, तो किसी टीचर से एक बार उसे जरूर पढ़ें, शुरुआत जरूर टीचर के साथ करें ताकि आपको विषय की एक जानकारी मिले। फिर आप चाहें तो एनसीईआरटी के साथ आगे बढ़ सकते हैं, या चाहें तो किसी रेफरेंस बुक के साथ भी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो चरण यही है, लेकिन शुरुआत में ये मैं फिर से बता दूं कि शुरुआत में किसी टीचर का गाइडेंस लेना या किसी टॉपर को सुनना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको दिशा समझ में आ सके। क्योंकि इस एग्ज़ाम की एक बहुत बड़ी समस्या है कि इस एग्ज़ाम में हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कहाँ रुकना है, किस विषय पर। सिलेबस बहुत बड़ा है, अगर आप एक विषय में ही लग जाएंगे तो उसी विषय में इतनी गहराई है कि फिर आपको लगेगा कि हमें दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ने की आवश्यकता है क्या नहीं, और सब्जेक्ट तो पूरे पढ़ना है। बिल्कुल, अगर 20 विषय लगभग बन जाते हैं पूरे पेपर में तो आपको 20 विषय की जानकारी होनी चाहिए। तो आप कहते ना कि यहाँ किसी से आप मोह नहीं कर सकते, ये ऐसा एग्जाम है जहाँ आप किसी से मोह नहीं करें, हर विषय को थोड़ा थोड़ा समय दें, एक गहराई को समझें कि हमें इस विषय में इतनी गहराई तक ही उतरना है, इससे गहराई में हमें नहीं जाना है, ताकि आपका समय बचे, और इस तरह से फिर आप तैयारी शुरू कर सकते। तो ये बताइए हमें कि आप क्या सजेस्ट करेंगे एक स्टूडेंट के लिए कि लगभग कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि अक्सर हम लोग जब इंटरव्यू में सुनते हैं तो हम 8 घंटे पढ़ते थे, 12 घंटे पढ़ते थे, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? बिल्कुल, अब ये डिपेंड करता है मैम, क्योंकि देखिए जब हम लोग बीएड भी कर रहे थे मैंने टीचिंग के लिए, तो बीएड में हम लोग को एक बात सिखाई जाती थी कि व्यक्तिगत विभिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, और हर व्यक्ति अपने आप में एक विशिष्ट है, तो उसकी अपनी कैपेबिलिटी है, अपनी अंडरस्टैंडिंग है। अब जैसे कि एक डिलेमा शुरू से रहा कि सुबह उठकर ही पढ़ाई करनी चाहिए, अब मेरे साथ ये है, मैंने कई बार प्रयास किया, मैं नहीं पढ़ पाया सुबह उठकर, मैं रात में ही पढ़ सकता हूँ, जो मेरा समय है कि मैं 8 बजे पढ़ने बैठूंगा तो मैं 2 बजे तक पढ़ूंगा, तो ये हर व्यक्ति के साथ अलग होता है, मैंने बहुत प्रयास किया। तो ये जो आर्ट्स वाली बात है ये डिपेंड करती है कि आपका लर्निंग और ग्रैप्स करने का पावर कितना है, कैपेसिटी कितनी है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जैसे स्वामी विवेकानंद जैसे महान लोग थे, जो 1 घंटे में इतना पढ़ लेते थे जो मेरे जैसा व्यक्ति शायद 5 घंटे में ना पढ़ पाए, तो उनकी उनके लिए तो 2 घंटे पढ़ाई भी अच्छी है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि अगर आप चीजों को 1 या 2 बार में ही समझ लेते हैं तो आपके लिए 4 से 5 घंटे की पढ़ाई बहुत ज्यादा है, इतना बहुत अच्छे से। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप एक स्लो लर्नर है तो आपको वही पढ़ाई में 6 से 7 घंटे 8 घंटे का समय बिताना होगा। अब एक बात मैं इसमें और स्पष्ट कर दूंगा, कई बार लोग कहते हैं कि सर मैं लाइब्रेरी में आता हूँ, मैं 12 घंटे की पढ़ाई करता हूँ, मैं घर पे 12 घंटे पढ़ता हूँ। एक बार मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि अपने आप से एक सवाल कीजिए कि आपने इफेक्टिव स्टडी कितनी की। बिल्कुल, मैं हमेशा इस बात पर जोर देता हूँ कि आप नंबर ऑफ आवर्स काउंट मत कीजिए, हमेशा आउटपुट ओरिएंटेड पढ़ाई होनी चाहिए। जैसे अगर मैं 1 घंटे काम करने के लिए बैठता हूँ तो पहले मैं अपने आप को टारगेट देता हूँ कि यार 1 घंटे के बाद अगर मैं आज माउंटेन पढ़ने के लिए बैठा हूँ तो 1 घंटे में ये माउंटेन वाला टॉपिक खत्म होना चाहिए। तो मेरे ऊपर एक प्रेशर है, मैंने अपने आप को प्रेशर में डाला है, तो मुझे उस हिसाब से पढ़ना है। बिल्कुल, समस्या ये है कि कई बार मैं देखता हूँ कि एक स्टूडेंट एक किताब लेकर के बैठेगा, एक टॉपिक लेकर के बैठेगा, और उसी में वो 4-5 घंटे लगा देगा। उसका कारण है आपका लैक ऑफ फोकस, आप बार बार मोबाइल चेक करते हैं, बार बार आपको नोटिफिकेशन चेक करना है, फिर आपको हर 15 मिनट में पानी पीने उठने के लिए जाना है, हर आधे घंटे 1/2 घंटे में आपको चाय पीने के लिए जाना है, ये पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई अगर आप 3 घंटे भी, अगर 3 घंटे भी आप एक बार फोकस होकर पढ़ लीजिए, आप इतना पढ़ लेंगे जितना आप 8 घंटे में नहीं पढ़ पाए।
पाएंगे। लेकिन उस 3 घंटे में सिर्फ 2 चीजें होनी चाहिए, आपकी कॉपी, आपका पानी की बोतल, दैट्स इट। कमरा बंद, आप पढ़िए बैठ के। 3 घंटे की पढ़ाई भी बहुत होती है, तो पढ़ने का तरीका बदलिए, वो जरूरी है। जी बिल्कुल। अक्सर प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को कि सब्जेक्ट क्या लें, वो बड़े कंफ्यूज होते हैं क्योंकि ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट से किया हुआ होता है, और लोग अक्सर कहते हैं कि आर्ट्स के सब्जेक्ट ज़्यादा इजी होते हैं या उन्हें लेना चाहिए, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वो कौन से आधार हैं जिनके जिनके ऊपर वो सब्जेक्ट को चूज़ कर सकें? ये बहुत अच्छा है, क्योंकि जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, अच्छी बात यह है कि अब बहुत से स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन में ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटा दिया गया है, लेकिन यूपीएससी में आज भी वैकल्पिक विषय है, ऑप्शनल है। और ये सच में जो आपने प्रश्न किया, यक्ष प्रश्न है, बहुत मुश्किल प्रश्न है कि आखिर कौन सा वैकल्पिक विषय चुना जाए, कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट चुना जाए। और इसके बहुत रास्ते हैं, अलग अलग टीचर्स हैं, अलग अलग रास्ते बताते हैं। तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये कहता है ऑप्शनल को लेकर के, कि जो जैसे मान लीजिए कि पहला ये डिलेमा हम दूर कर दें कि ये क्या ये ज़रूरी है कि हम आर्ट के ही सब्जेक्ट लें, क्योंकि हाल ही में अगर आप यूपीएससी का एक पैटर्न उठा के देखें तो मैक्सिमम जो सब्जेक्ट लिया जाता है वो सोशोलॉजी होता है, पॉलिटिकल साइंस होता है, ये टॉप टेकिंग सब्जेक्ट्स में आते हैं। लेकिन क्या ये नेसेसरी है कि हम सिर्फ यही ऑप्शनल लें? तो इसका जवाब है नहीं। आप साइंस के सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, आप उठा करके देखिए, लोग जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स या फिर मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट भी लेते हैं, और स्कोरिंग इनमें भी उतनी होती है। इवन साइंस में स्कोर करना ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि अगर आपकी मान लीजिए मैथ्स पर पकड़ बहुत अच्छी है तो यूपीएससी मैथ्स में घुमा के सवाल नहीं पूछ सकता, वो एनालिटिकल सवाल नहीं पूछ सकता। हाँ, ऑब्वियसली आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपकी मैथ्स पर कमांड अच्छी होनी चाहिए, लेकिन अगर आपने सही जवाब दिया है तो फिर उसमें अंक नहीं काटे जा सकते। जी, क्योंकि मैथ्स में अगर मान लीजिए 2+2 = 4 होता है, अब मैंने 4 लिखा है और मुझे 5 नंबर मिल रहे हैं, तो आपको 5 देने पड़ेंगे। बिल्कुल, क्योंकि सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप दूसरी जगह से मेरा नंबर काट लें। जी, तो ये बिल्कुल एक डिलेमा है, ये मिथ है कि इस तरह से हमें नहीं, तो ये मिथ है। आप बिल्कुल जो आपकी स्ट्रीम है वो सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, लेकिन सवाल होता है कि कैसे चयन करना है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल टास्क होता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप पहले कुछ सब्जेक्ट को देख लीजिए, पहले बस इतना तय कर लें आप कि आपको आर्ट की तरफ जाना है या साइंस की तरफ। जितने भी लोग साइंस बैकग्राउंड के हैं तो पहले वो साइंस के प्रश्न जरूर देखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखें, सिलेबस जरूर देखें। और जितने लोग आर्ट से हैं तो आप आर्ट के जो बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं फेमस सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी साहित्य है, इंग्लिश लिटरेचर है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशोलॉजी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, इन सबको एक बार देखें और फिर इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस देखें, और फिर अपनी कैपेसिटी को परखें कि आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, वो कौन सा सिलेबस है जो आप 6 महीने में कवर कर सकते हैं, फिर आप उसको याद भी रख सकते हैं और इसकी आंसर राइटिंग भी अच्छे से कर सकते हैं। तो ये करने में आपको 10-12 दिन का समय देना पड़ेगा, हर एक पेपर का सिलेबस देखना, उसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना, और फिर आपको एंड रिजल्ट पर पहुंचना होगा कि आखिर किस विषय का चुनाव हम करना चाहते हैं, और तब मुझे लगता है कि आपका चयन शायद दूसरे लोगों से बेहतर होगा और शायद आप बेहतर विषय तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। तो क्या रेशो है आर्ट्स के सब्जेक्ट्स जो स्टूडेंट लेते हैं या फिर साइंस साइड के, तो क्या रेशो है उनके सिलेक्शन का? अब देखिए, सिलेक्शन का रेशो, अगर हम रेशो की बात करें, परसेंटेज की बात करें, तो आर्ट्स में अभी भी थोड़ा सा ज़्यादा परसेंटेज है, पर साइंस का सिलेक्शन रेशो ख़राब नहीं है। वहाँ पर जो लोग जा रहे हैं, जो सब्जेक्ट ले रहे हैं, वो एग्ज़ाम निकालते हैं, क्वालिफाई करते हैं। आप चाहें तो एक बार आयोग की वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहाँ पर दिया रहता है कि किस ऑप्शनल से कितने लोग अपीयर हुए थे और कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है, तो वहाँ भी जा करके आप एक बार चीज़ें चेक कर सकते हैं। बिल्कुल। ये बताइए सर कि पीएससी के लिए कोचिंग कितनी इम्पोर्टेंट है, क्या सेल्फ स्टडी भी सफिशिएंट है? बिल्कुल, देखिए आज के ज़माने में तो मैं कह सकता हूँ कि सेल्फ स्टडी भी बहुत सफिशिएंट है, और कोचिंग का एक अपना महत्व है, वो एक अलग चीज़ है, पर पहले हम सेल्फ स्टडी की चर्चा करते हैं, क्योंकि आज मैम सोर्सेज बहुत बढ़ चुके हैं। बिल्कुल। अब यूट्यूब एक ऐसा सोर्स है, जैसे मैं अपनी ही बात करूँ तो मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डाल के रखे। आप यूनिट 9 पढ़ सकते हैं, यूनिट 10 पढ़ सकते हैं, आप यूट्यूब पर बस जाइए और आपको गाइडेंस मिल जाएगा पूरा का पूरा। करंट अफेयर्स है, ये सारी चीज़ें हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ये सब मैंने यूट्यूब पर पढ़ा रखा है, और मेरे जैसे बहुत सारे टीचर हैं और मुझसे कई गुना बेहतर टीचर हैं जिनका कंटेंट आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। तो
तो सेल्फ स्टडी, देखो एक बात तो मैं आपको बता दूं कि बिना गाइडेंस के नहीं हो सकता। नहीं सेल्फ स्टडी में भी गाइडेंस आपको लेना पड़ेगा। गाइडेंस आप अपने मित्रों से ले सकते हैं, अपने सीनियर से ले सकते हैं, या यूट्यूब पे जो टीचर हैं उनसे ले सकते हैं, या ऐसे जो इंटरव्यू होते हैं जैसे आज आप कंडक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से भी आपको गाइडेंस ही मिलता है। तो सेल्फ स्टडी से बिल्कुल संभव है, बट विद द प्रॉपर गाइडेंस। प्रॉपर गाइडेंस जिसमें हर 2 महीने में आप जिसको भी अपना एक प्रकार से मार्गदर्शक बनाते हैं, बिल्कुल उससे आप ये बात करते रहें, उसको सुनते रहें कि क्या मैं सही रास्ते पर जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। बिल्कुल कोचिंग मदद करती है, निश्चित तौर पर कोचिंग मदद करती है, क्योंकि कोचिंग आपके कुछ दायरे बना देती है जी कि आपको एक विषय इतने समय में पढ़ना है, क्योंकि कोचिंग में इतने समय में खत्म हो रहा है। तो कोचिंग की वजह से आपका सिलेबस समय पर पूरा हो जाता है। जी कोचिंग की वजह से आपको थोड़ा सा जो गाइड है, तो अगर आप मान लीजिए सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको गाइड शायद ढूंढना पड़ेगा। कोचिंग की वजह से वो जो आपके मार्गदर्शक हैं वो आपके साथ होते हैं, तो ये कोचिंग की मदद आपको मिल जाती है। और आज कोचिंग करना मुश्किल नहीं रहा। जिस समय हम तैयारी करते थे उस समय कोचिंग करना बहुत मुश्किल था, जी क्योंकि उस समय फीस बहुत ज़्यादा होती थी। मुझे अभी भी याद है कि जब मैं बाहर कोचिंग करने गया तो मेरे पापा जी ने बाहर से पैसे उधार लिए, तब मैं जाकर के कोचिंग कर पाया, क्योंकि उस समय फीस ही 1 लाख रुपए 1.25 लाख रुपए हुआ करती थी। जी आज ऑनलाइन कोचिंग की फीस 5 से 6 हजार रुपए, 7 हजार, अधिकतम 10 हजार ये हो गया है। और ऑफलाइन कोचिंग में भी आप जाके देखें तो अच्छे अच्छे संस्थान हैं जो आपको 50 हजार रुपये, 40 हजार रुपये, जैसे हमारा ही संस्थान है तो सिर्फ 35 हजार रुपये में हम पूरी 18 महीने की तैयारी करा रहे हैं। रीजन, क्योंकि वो चीज़ हमें भी पता है कि आप जितना ज़्यादा इसको प्रमोट करेंगे, और मैं जिस जगह से निकला हूँ, मैंने जो झेला है अपनी ज़िंदगी में, बिल्कुल मैं नहीं चाहता कि दूसरे लोग उसको फेस करें। तो कोचिंग महंगी भी नहीं रह गई है, तो कोचिंग भी अगर चाहें तो आप कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि आपको उस गाइडेंस की ज़रूरत है या नहीं है। बिल्कुल जीके के लिए आप कौन सी बुक सजेस्ट करना चाहेंगे? बुक्स मैम हर एक सब्जेक्ट के लिए बहुत सारी होती हैं, जी अलग अलग किताबें हैं अलग अलग जी विषय के लिए, लेकिन सिर्फ आपने चूंकि एक सब्जेक्ट बोला जीके, मतलब हर एक चीज का मिश्रण, तो मैं अभी भी मानता हूँ कि अगर किसी बच्चे को सिर्फ एक बेसिक नॉलेज चाहिए हर जी एक चीज का, तो जी एक तो एनसीईआरटी की किताब है जो आपके बेस को मजबूत कर देती है। जी बिल्कुल आधार जो है आपका कॉन्क्रीट हो जाता है। और अगर मान लीजिए सिर्फ आप फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पढ़ना चाहते हैं, तो अभी भी लूसेंट से अच्छी किताब मुझे लगता है नहीं। लेकिन सिविल सेवा की तैयारी के लिए आप सीधे लूसेंट पर ना जाएं, लूसेंट से पहले आप एनसीईआरटी पर जाएं और उसके साथ में आप लूसेंट पढ़ते जाएं, तो वो ज़्यादा बेहतर है। जी एक प्रॉब्लम हमेशा स्टूडेंट्स सालों से फेस करते आए हैं कि मार्केट में कोई भी एक ऐसी बुक नहीं है कि जो सफिशिएंट हो पूरे पीएससी के एग्ज़ाम के लिए। ये भी कर लें कि प्रीलिम्स के लिए एक हो, मेंस के लिए एक हो, ऐसा भी नहीं है। तो क्या वजह है ये, इस तरफ क्यों नहीं प्रयास हो रहे हैं? मैम वो संभव भी नहीं है जो मेरा मानना है, क्योंकि देखिए जैसा मैंने कहा कि ये दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे कठिन एग्जाम जी है, जी यूपीएससी का जी एग्जाम, और एमपीपीएससी की भी हम बात करें तो स्टेट के लेवल पर इससे कठिन एग्जाम आपको देखने नहीं मिलेगा। तो ऐसे पेपर में कई बार एक किताब ले पाना आसान नहीं होता, क्योंकि एक व्यक्ति पेपर सेट नहीं करता। आप एक ही विषय के 12 से 20 प्रोफेसर से क्वेश्चन मंगाए जाते हैं, उसमें से कोई भी रैंडम क्वेश्चन पिक किया जाता है, और प्रोफेसर भी बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं, वो और सामान्य से बहुत ऊपर होते हैं, उनका जो बौद्धिक स्तर है, तो ये जी संभव ही नहीं है कि एक किताब से सवाल आ जाए। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी मौलिक किताबें हैं जहाँ से आप 70 से 80% चीज़ें आपको मिल मिल जाती हैं, सकती है 70 से 80% चीज़ें मिल जी जाती हैं। जैसे मैंने अभी एनसीईआरटी का जिक्र किया, लूसेंट का जिक्र किया, ये वो किताबें हैं जहाँ से आप 70 से 80% चीज़ें जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, और इतने में ही एग्ज़ाम निकल जाता है। जी ठीक है, तो मतलब ये है कि सिलेबस काफ़ी है, मतलब पढ़ने को काफ़ी कुछ है जिसे एक बुक में नहीं समेटा जा नहीं समेटा सकता। जा सकता बिल्कुल। बिल्कुल। क्या वजह है कि सालों साल तैयारी करने के बाद भी कई स्टूडेंट सिलेक्ट नहीं हो पाते? अब इसमें वही बात है मैम कि कुछ ऐसी गलतियां हैं जो जी मैं, और इस बात का मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और बहुत दुख भी होता है कि मैं पिछले 4-5 सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, और जी हर बैच की शुरुआत में ये सारी बातें जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बच्चों को बताते हैं, लेकिन वो फॉलो नहीं करते, क्योंकि वो नाम ही है ना बच्चा, बिल्कुल स्टूडेंट, जिस एज में वो हमारे पास आते हैं वो एज होती है 22 23 साल, 21 साल, कई बार तो 19 20 साल की आयु होती है।
ये वो एज है जब आप बन रहे होते हैं तो बहुत मुश्किल होता है कि आप किसी दूसरे की बात आसानी से सुन लें। फिर भी आज मैं वो गलतियां जरूर बताना चाहूंगा जो एक एस्पिरेंट सामान्यतः करता है, जो करते करने से बचना चाहिए। देखिए मैम, ये जो एग्जाम है ना, ये एग्जाम बहुत डायनेमिक है जैसा मैंने आपसे कहा, और बहुत हैं बड़ा सिलेबस है। जी। तो कई बार हम क्या करते हैं कि इस एग्जाम के लिए अपने आप में बहुत मुश्किल बना लेते हैं कि यार ये इतना मुश्किल एग्जाम है कि अगर मैं एक पुस्तक से पढ़ूंगा तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप अधिकांश बच्चों को देखिएगा, उनके पास एक विषय की 4 या 5 किताबें होती हैं, बिल्कुल एक विषय के 3 या 4 टीचर होते हैं। देखिए ऑनलाइन एजुकेशन के फायदे हैं पर ये कुछ नुकसान भी कुछ हुआ है। नुकसान भी है जैसे बिल्कुल। मान लीजिए आप आकर के मुझसे मेरी कक्षा में भूगोल पढ़ रहे हैं, तुरंत हो सकता है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति से भूगोल पढ़ रहे हैं, तीसरे व्यक्ति से भूगोल पढ़ रहे हैं। बिल्कुल जब आपको नोट्स हमने लिखवा दिए हैं, आपको नोट्स दे दिए हैं, उसके बाद पता चला कि आप 2 किताबों से और भूगोल पढ़ रहे हैं। अब ये हमें लगता है, एज ए स्टूडेंट मैं बता रहा हूँ, कि उस समय जी विद्यार्थी को ये लगता है कि वो सही कर रहा है, वो नॉलेज को गेन कर रहा है। लेकिन मैंने पहला पॉइंट आपसे बोला था कि इस पेपर में लिखा रहता है सामान्य अध्ययन, ये हम भूल जाते हैं। बिल्कुल लिखा हुआ है उसमें जनरल स्टडीज, इसका अर्थ क्या है दोस्तों? इसका अर्थ यही है कि आपको हर विषय की सामान्य जानकारी होनी चाहिए, हर विषय की एक मौलिक समझ होनी चाहिए। बिल्कुल एक्सपर्ट ना बने एक्सपर्ट बनने की बात ही नहीं कर बिल्कुल रहे। बिल्कुल एक्सपर्ट बनने का समय प्रोफेसर्स का होता है, पीएचडी करने का होता है, और मैं कई लोगों को देखता हूँ उनके पास बहुत नॉलेज है पर वो नॉलेज 1 या 2 विषयों तक सीमित है। बिल्कुल और विषय कितने हैं? 15 से 20 विषय आपको कवर करने हैं अलग अलग प्रकार से, और नॉलेज आपने 2 विषयों का बहुत गहरा ले लिया है, लेकिन अब वो नॉलेज किसी भी काम के नहीं आएगा। पहली मेरी सलाह, पहली एडवाइस, कि एक विषय का एक ही सोर्स रखिए और उसी सोर्स पर अपनी कमांड को एस्टैब्लिश कीजिए। हम एक बहुत अच्छा उदाहरण है, मैं हमेशा एक ब्रूसली नाम के बहुत बड़े कराटे थे, जी मार्शल आर्ट करते बिल्कुल थे, उनकी एक बहुत अच्छी बात है जो हमेशा कोट करता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स को पता भी होगा, कि मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता जिसे 10,000 प्रकार की अलग अलग किक मारना आता है, मुझे उस इंसान से डर लगता है जिसने एक को 10,000 बार प्रैक्टिस किया। तो यही हमारी दूसरी गलती जिससे हम कर जो बचना है, किसी चीज को एक बार पढ़ के मत छोड़िए। ये एग्जाम रिवीजन का है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि ये जो एग्जाम है ये कमांड एस्टेब्लिश करने का एग्जाम है। मान लीजिए कि अगर मेरे पास ये किताब है, ये एक किताब पढ़ी है मैंने, और मेरे जो कॉम्पिटिटर है उसने 3 किताबें पढ़ी है, लेकिन मैं एज अ टीचर आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आपने 3 किताब पढ़ी है, मैं बस आपसे ये पूछूंगा कि बेटा ये जो किताब आपके पास है, क्या इस पर आपकी कमांड है? क्या इस किताब का एक एक अक्षर आपको याद है? तो आप बताइए, एक व्यक्ति जिसने एक ही किताब पढ़ी है लेकिन उसे एक एक अक्षर याद है, बिल्कुल और एक व्यक्ति जिसने 3 किताबें पढ़ी हैं लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं, जी तो आपकी पढ़ाई तो व्यर्थ हो गई। आपने 3 किताबों को पढ़ने में समय लगाया, उस समय आपको नॉलेज मिला, लेकिन क्या वो नॉलेज आप रख पाए अपने पास? नहीं। ये इस एग्जाम में रिवीजन बहुत जरूरी है। बिल्कुल मतलब इस तरीके के समझिए कि अगर आप 5 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं दिन में, 2 घंटे आपको सिर्फ रिवीजन को देना चाहिए, और रिवीजन सीरियसनेस के साथ। कई बार क्या बिल्कुल होता है कि हमारा दिमाग जो है ना, वो हमेशा हमें कंट्रोल करने की कोशिश करता है। 3 इडियट्स में बोलते हैं, जी ऑल इज वेल बोलो, जी क्यों? क्योंकि वो आपका दिमाग आपको कंट्रोल कर रहा है। आपका कभी मन नहीं लगेगा एक बार पढ़ी हुई चीज को दोबारा पढ़ने का। आपके दिमाग में क्या चलेगा मैं बताता हूँ। जैसे आपने ये पढ़ लिया, इतना जी ये वाला हिस्सा एक बार पढ़ लिया, जब आप इसे दोबारा पढ़ने के लिए बैठेंगे तो पहले दिमाग में आएगा यार इस समय मैं कुछ नया पढ़ लेता, हाँ ये तो ये पढ़ा पढ़ने हुआ में तो है पढ़ा हुआ, ये तो मेरा समय खराब होगा, मुझे बहुत बड़ा सिलेबस कवर करना है, तो कुछ नया पढ़ लेते हैं। नहीं, चूंकि सर ने कहा था रिवीजन जरूरी है तो एक बार देख लेते हैं, तो रिवीजन कैसा किया? हो गया? नहीं। सीरियसनेस, रिवीजन को आप प्रायोरिटी दीजिए, बहुत सीरियस होके चीजों को पढ़िए, बहुत मेहनत करके चीजों को पढ़िए, जी और कमांड। मैं फिर से कह रहा हूं कि ब्रूसली की बात याद रखिए, मुझे उस व्यक्ति से डर नहीं लगता जिसे 10,000 प्रकार की किक आती है, मुझे उससे डर लगता है जिसने एक किक को 10,000 बार प्रैक्टिस किया है। फिल्म बिल्कुल देखे होंगे आप लोग, एक मूवी आई थी, आई गेस चांदनी चौक टू चाइना करके एक जी फिल्म आई थी जी अक्षय जी कुमार की, बिल्कुल बिल्कुल जिसमें अक्षय कुमार शायद चाइना जाता है जी ना, तो जी एक बहुत बड़ा मार्शल आर्ट का वो आता है उसके सामने लड़ने के लिए, और उसको सबसे बड़ा है वो मार्शल आर्ट में, अक्षय कुमार को बहुत मारता है, बहुत मारता है, लेकिन जी आखिरी में अक्षय कुमार ना एक ये वाला उसका वो होता है मूव, और इससे वो उसे हरा देता है। क्यों? बचपन से उसने आटा गूंथा है और बचपन से वो ये वाली किक की प्रैक्टिस
कर रहा है, ये किक उससे अच्छे कोई नहीं मारता, पर वो एक किक से उसे हरा देता है। तो मेरा दूसरा आपसे सजेशन है, रिवीजन इज कंपलसरी। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, कमांड एस्टैब्लिश नहीं करेंगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तीसरी बात, इसमें हमें ये लगता है जब हम पेपर को देखते हैं तो कई बार मैम कुछ ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जो हमें किसी किताब में नहीं मिलते। हर बार एग्जाम का पैटर्न होता है, जैसे एक बार एक प्रश्न मुझे मध्य प्रदेश में याद है, बोधि दोवा वाला प्रश्न आ गया, आप कहाँ से प्रश्न पढ़े हैं। इतिहास में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए कि एक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट किसने दी, किसने दिया ये। तो हम जब वो कुछ प्रश्न देखते हैं ना, तो हमारे दिमाग में आता है कि नहीं, अब तो पेपर का लेवल बढ़ गया है, अब तो हमें बहुत गहराई से पढ़ना होगा। ठीक है, आपने चार पांच प्रश्न देख के ये अनुमान लगा लिया कि इतिहास में जो पहले आप एक सामान्य किताब पढ़ रहे थे, अब आप तीन किताबें गहराई से पढ़ेंगे। आपकी अगली गलती देखिए दोस्तों, ये जो पेपर है, हर एग्जाम की एक मर्यादा होती है। किसी भी पेपर में आपको 100 प्रश्न ऐसे नहीं मिलेंगे जो आपसे बन जाए, बिल्कुल नहीं। तो आप बताइए ना कि अगर एक व्यक्ति यूपीएससी के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएगा तो क्या एग्जाम की मर्यादा रहेगी, उसका लेवल रह गया? हम क्यों उसे तीसरा सबसे कठिन एग्जाम कह रहे हैं? मध्य प्रदेश में आप गए, आप 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ गए, फिर एग्जाम का लेवल तो बिल्कुल नहीं बचा। तो हमेशा कुछ विषय से 5 या 8 प्रश्न ऐसे आएंगे जो देख करके आपको लगेगा कि बहुत गहराई में पढ़ना है, लेकिन मैं कहूंगा कि उन 8 प्रश्नों को छोड़ के 90 प्रश्नों को देखिए, वो अभी भी सामान्य अध्ययन से आए हैं, वो अभी भी जनरल स्टडी से आए हैं। ठीक है, तो ये आपको भटकाव नहीं होना चाहिए। आपका सिलेक्शन प्रीलिम्स में 80% में हो जाता है, मुख्य परीक्षा में 55 से 60% में आप टॉप आ जाते हैं, तो 100% के पीछे भागने की कोशिश भी मत कीजिए। ये एग्जाम 100% मार्क्स वाला नहीं है, इसमें 20% तैयारी आपकी छूटेगी ही, चाहे आप किसी से पढ़ लें। तो मेंटली प्रिपेयर रहिए जी, क्यों आपको 100 क्वेश्चन करना जब 80 में काम हो गया, सिलेक्शन हो गया, आपका काम बन जाता है तो कीजिए। तो ये तीसरी गलती है कि हम हर एक चीज को समेटने की कोशिश ना करें। ये एग्जाम ऐसा है, वो कहते हैं ना हम, कि बचपन में एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाएं, ये परीक्षा वैसी है दोस्तों। इसमें अगर सब चीजों को समेटोगे, हर चीज पर बहुत अच्छी कमांड, तो निश्चित तौर पर आप फेल होने के चांसेस जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समेटने की बात, या आखिरी एडवाइस जो बच्चों के लिए रहेगी, कि एक तरीका है सिविल सेवा के एग्जाम में पढ़ने का, इस तरीके को आप लोग फॉलो जरूर कीजिएगा। देखिए, पेपर का सिलेबस बहुत बड़ा है, और जैसा मैंने आपसे कहा कि आप महासागर की यात्रा करने जा रहे हैं, जैसे ही आप एग्जाम के अंदर कदम रखते हैं, तो होता यह है कि बीच बीच में आप भूल जाएंगे। जब आपकी यात्रा बहुत बड़ी होती है ना, तो कई बार हम भूल जाते हैं कि हमारी मंजिल क्या है, और 90% केसेस में यही होता है। बच्चे तैयारी करने आते हैं, पर कुछ दिनों के बाद वो यही भूल जाते हैं कि वो तैयारी किस चीज की कर रहे हैं, और वो ऐसा भटकते हैं कि आप उनको वापस ला ही नहीं सकते। तो कैसे बचें भटकाव से? देखिए, इसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि एक, मैंने अभी अपने स्टूडेंट्स को बताया कि आप एक चार्ट प्रिपेयर करो, ठीक है। उस चार्ट में एक आप टॉपिक का नाम लिखें, फिर लिखें उसके नोट्स, फिर बाजू में लिखें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बाजू में लिखें MCQ, फिर लिखें शॉर्ट नोट, फिर Revision 1, Revision 2, Revision 3। अब जैसे आपने पहला टॉपिक लिखा कि भारत का संविधान, देख लीजिए कि आपके नोट्स बन गए हैं, उसको टिक कर दीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए हैं, टिक कर दीजिए। MCQ आंसर राइटिंग हो गई है, टिक कर दीजिए। 3 बार रिवीजन हो गया है, टिक कर दीजिए। जैसे आप ये चार्ट बनाएंगे, आप कभी भी भटक नहीं सकते, क्योंकि आपका चार्ट आपको बताता रहेगा सिलेबस का इतना हिस्सा हो गया है, इसके भी नोट्स तैयार हैं, इसका भी रिवीजन हो गया है, इसका रिवीजन बचा हुआ है। ये हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक लास्ट और मैं बताना भूल गया भटकाव वाली बात पे, कि आजकल जैसा मैंने कहा कि सोर्सेज बहुत बढ़ गए हैं, भटकाव भी बहुत बढ़ गया है। ऑनलाइन हर एक एडवाइस अच्छी नहीं होती, हर एक व्हाट्सएप मैसेज अच्छा नहीं होता, बहुत गलत जानकारी भी होती है। और जब एक स्टूडेंट तैयारी करना शुरू करता है, तो वो नाना प्रकार के लोगों से मिलता है। अब हम कितनी भी क्लास में उसको बातें समझा लें, लेकिन कई बार वो लोग होते हैं जो उसके सीनियर होते हैं, जो चाय की दुकानों पर बैठे हुए होते हैं, जो तैयारी किए होते हैं, वो उस बच्चे को निश्चित तौर पर भटकाते हैं। उसके घर वाले भटकाएंगे, घर वालों के और जो तैयारी करने वाले लोग होंगे वो। तो मैं हमेशा कहता हूँ चाणक्य की एक बात याद करें, चाणक्य नीति बहुत खूबसूरत किताब, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, सभी को पढ़ना चाहिए, उससे आपको प्रैक्टिकल बातें सीखने के लिए मिलती है बहुत सारी। तो चाणक्य ने एक बहुत अच्छी बात कही कि
आप अपने लक्ष्य को तब तक उजागर मत करो जब तक आप उसे प्राप्त ना कर लो। कितनी अच्छी बात है कि अगर मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे क्यों ढिंढोरा पीटना है कि मैं यूपीएससी की तैयारी, जिस दिन मेरा सिलेक्शन होगा उस दिन आपको पता चल जाएगा। एक टॉपर को मैं सुन रहा था, तो उसने कहा कि मेरे रूम के बाजू में जो व्यक्ति रहता था उसे नहीं पता था कि मैं पीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। जी ठीक है, जब मैंने क्रैक कर लिया तो उसे पता पड़ा कि ये पीएससी की तैयारी कर रहा जी हूँ। मैं उसके साथ वो चाय पीने जाता था, लेकिन मैंने कभी किसी को नहीं बताया। इसका फायदा देखिए मैम कितना बड़ा है। होता यह है कि आजकल ना हमारे अंदर एक चीज भी आ गई है कि हमें ना शॉप रिस्पेक्ट भी चाहिए, शो ऑफ भी चाहिए। तो शो ऑफ के चक्कर में हमें जब मजा आता है, हम तैयारी करने जाते हैं ना, तो कोई हमारे रिश्तेदार बैठे हुए हैं, दोस्त बैठे हुए हैं, और इम्प्रेस भी करना, क्योंकि मैंने कहा ना कि एज वो 21-25 साल की है जब आपको लोगों को इम्प्रेस भी करना है। तो आपको शेख ही वगैरह में मजा आता है, यार मैं पीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन आप समझते नहीं है कि जिस वक्त आपने समाज में जाकर के ये बोला, समाज आपके ऊपर निगाहें गढ़ा बिल्कुल देता है। उम्मीदें क्यों बन बेटा, जाती हैं क्यों बेटा, लोगों सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, आपका बेटा पढ़ रहा था क्या हुआ, को। मामा आएंगे, फूफा आएंगे, सब बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल पूछेंगे आपसे ये सवाल। तो मेरा हमेशा एडवाइस होती है, मैं हर व्यक्ति को बोलता हूँ, मत बताओ बिल्कुल किसी को क्यों रह रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे यहाँ पर रहना, मैं बीए की तैयारी कर रहा हूँ। क्या ही एक्सपेक्टेशन होगी सामने वाले की, ठीक है यार ये तो बीए पढ़ रहा है, इंदौर में रह के ये कुछ नहीं करता। तो इस चीज़ से दोस्तों हमेशा बचो, बताओ मत, सिर्फ अपने मेंटोर को बताओ, अपने टीचर को बताओ, और किसी के सामने ढिंढोरा मत पीटो कि मैं पीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। आप नहीं मानते, लेकिन आपके ऊपर इतना बड़ा प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि बच्चे इसमें डिप्रेस भी हो जाते हैं जब उनका सिलेक्शन नहीं होता। तो बिल्कुल ये प्लीज कुछ बातें हैं जिनका आप विशेष ध्यान रखें, रिविजन करें, मल्टीपल सोर्सेस के पीछे ना भागें, भटकाव से आपको बचना है, चार्ट जरूर प्रिपेयर करें। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए। वैसे भी कहा गया है ना कि तैयारी इतनी चुपचाप करनी चाहिए कि सफलता अपने आप शोर मचा देगी, बिल्कुल बताने मैम, की जरूरत ही नहीं ये पड़ेगी। बिल्कुल सही, अच्छी बात है। जैसा मैंने आपसे बोला कि कई लोग होते हैं, आपने भी बताया कि अक्सर जो 5 5 6 6 सालों से तैयारियां कर रहे हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो फिर उनके लिए क्या बचता है? क्योंकि उनका जो प्रीशियस टाइम है लाइफ का वो तो चला गया, तो उसके बाद आप क्या बताएंगे कि क्या है उनके करने के लिए? बिल्कुल, ये मैम ये एक ऐसा प्रश्न है जो मुझे पता है कि विद्यार्थियों को परेशान करता है, पर उससे भी ज्यादा परेशान हम टीचरों को करता है। क्योंकि देखिए जब हमारे पास कोई बच्चा आता है ना, तो हम तो यही चाहते हैं कि हर बच्चे का सिलेक्शन हो, पर बिल्कुल एक कड़वी सच्चाई है कि पोस्ट तो 1% ही है, बिल्कुल वही 1% लोगों को मिलना है। तो उनका क्या जिनका सिलेक्शन नहीं नहीं हो होगा। पाया, बिल्कुल ये प्रश्न अब करना मुझे लगता है उतना सही नहीं रहा, क्योंकि पहले हमारे पास अपॉर्चुनिटीज कम थी, अब मैम अपॉर्चुनिटीज बहुत है। एग्जाम्पल के लिए इसमें पहले समस्या समझते हैं। देखिए बच्चे कई बार मैंने देखा है कि एग्जाम ना निकलने पर बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। उस चीज से आपको बचना होगा, आपको ये समझना होगा कि सरकारी नौकरी एकमात्र रास्ता नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की आबादी लगभग 150 करोड़ के आसपास होने वाली है, सरकारी नौकरियां कितनी होंगी, कितने लोगों को आप सरकारी नौकरी में दे सकते हैं, लेकिन फिर भी लोग काम कर रहे हैं। आप आज सर्वाइव कर रहे हैं, मैं सर्वाइव कर रहा हूँ, यहाँ पर बाहर इतना बड़ा स्टाफ बैठा हुआ है, ये भी सर्वाइव कर रहा है। बिल्कुल रीजन हम सिर्फ ये सोचते हैं कि सरकारी नौकरी ही एकमात्र समाधान है, और जब भी आपने ये चीज लगानी कि यही एकमात्र रास्ता है, आपके अंदर डिप्रेशन आता है। देखिए दोस्तों थोड़ा सा बाहर निकलना होगा आपको, एक बार आप बाहर जाकर के तो देखिए, तब आपको पता चलेगा कि आज कितनी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो चुकी है। जी मैम छोटे छोटे 6-6 महीने के डिप्लोमा कोर्सेस होते हैं बिल्कुल अलग अलग चीजों में आज, और अब डिग्री की महत्व तो भी नहीं रहा कि आपको इंजीनियर होना ही जरूरी है, आपके पास स्किल होना चाहिए। बिल्कुल लेकिन क्या होता है कि खास तौर पर जो डिप्रेशन में बच्चा जाता है वो मुख्य रूप से हिंदी मीडियम का बच्चा जाता है, क्योंकि वो इन चीज़ों से जुड़ा नहीं होता, अवेयरनेस नहीं होती। वो कभी अपनी लिंक्डइन पर जाकर के प्रोफाइल नहीं बनाएगा, उसे पता ही नहीं होगा कि ये कोर्सेस मैं कर सकता हूँ। इंग्लिश बहुत बड़ा हुआ नहीं, 3 महीने इंग्लिश को दीजिए, बाकी का समय आप एक डिप्लोमा में दीजिए, और ट्रस्ट मी आपको एक नौकरी मिलेगी जहां आप 20-25 हज़ार रुपये महीने से शुरुआत कर पाएंगे। ठीक है, और दोस्तों देखो जिंदगी जीना है आपको, सरकारी नौकरी एकमात्र सच नहीं है। वो लोग भी खुशी रहते हैं जो नौकरी करते हैं, खुशी बिल्कुल आपके अंदर होती है, जॉब करने का सेटिस्फेक्शन आपके अंदर होता एक्चुअली गवर्नमेंट जॉब से लोग सेफ फील सेफ करते फील हैं करते कि हैं। अब हमारी एक बार लग गई है तो अब मरते दम तक हमको पेंशन भी मिलेगी, तो अब तो इस पेंशन वजह भी से बंद कर लोग, दी, हाँ इस हाँ वजह से लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ बिल्कुल, ज्यादा खींचते
दस से पांच वाली जॉब है बस खत्म बस। पर यही प्राइवेट में भी है, आपको जरूर लग रहा है, पर जितना ग्रोथ प्राइवेट में है उतना क्या गवर्नमेंट जॉब में बिल्कुल मिलेगा? क्या आपने कभी कोई सुना है कि कोई आईएएस अधिकारी दुनिया के टॉप 10 अमीरों में आ गया, तो उसने कोई बहुत बड़ा आपने कंपनी खोल ली? ठीक है, रोमन सैनी जिन्होंने अन अकेडमी की स्थापना की वो आईएएस थे, उन्हें आईएएस छोड़ना पड़ा, फिर उन्होंने अन अकेडमी को स्टैब्लिश किया। खान सर आज कौन सी जॉब उन्हें नहीं मिल सकती? विकास देवी कीर्ति सर दृष्टि के संस्थापक, उन्होंने बिल्कुल अपनी वो जॉब छोड़ी। आज आप सोच के देखिए, मैं तो कोचिंग फील्ड के उदाहरण दे रहा हूँ, बिल्कुल बाकी कितने सारे उदाहरण हैं कि लोग अपनी नौकरियां छोड़ करके आए और बिल्कुल उन्होंने स्टार्टअप शुरू किया और आगे बढ़ गए। ठीक है, तो ये आपको, आप बोलते हैं दायरा तो बढ़ाइए, अगर आप घोड़े की नाल लगा करके देखेंगे तो आपको सिर्फ सरकारी नौकरी ही दिखेगी, लेकिन और वो एक एक बार ये निकाल लिमिटेड के देख, है उसका बिल्कुल एरिया, आप बियॉन्ड नहीं जा नहीं जा सकते। सकते क्योंकि एज का क्राइटेरिया भी है, लेकिन प्राइवेट जॉब में आपकी स्किल मैटर करती है। मैम आज भी आप लीव नहीं करेंगे, मुझे भी कुछ लोगों की आवश्यकता है, लेकिन मैं पिछले 6 महीने से देख रहा हूँ मुझे एक स्किल इंसान नहीं मिला जो नोट्स प्रिपेयर कर सके, जो रिसर्च कर सके। ठीक है, इसी तरीके से इन्फोसिस की एक रिपोर्ट आती है कि भारत के 95% इंजीनियर हैं जो काम के ही नहीं है, उन्हें हमें बिल्कुल ट्रेनिंग देनी पड़ती है अलग से। तो अगर आप स्किल्ड हैं तो आज आपकी वैल्यू है। अब जैसे अभी चैट जीपीटी करके AI सॉफ्टवेयर आया, आपको लग रहा है कि वो आपकी जॉब खाएगा, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी तो देखिए कि कितनी सारी जॉब उससे जनरेट होंगी। अब दो तरीके हैं, देखो परिवर्तन तो हो चुका है, अब आप रोक तो सकते नहीं है मैम उसे, बिल्कुल बिल्कुल तो बेहतर क्या है कि या तो आप उस परिवर्तन पर रो लीजिए, अरे ऐसा क्यों हो गया, दूसरा तरीका उसको आप अडॉप्ट कीजिए। जैसे मुझे पता है कि मेरे लिए AI जरूरी है, मैंने तुरंत मैम AI का 1 महीने का कोर्स किया कि मुझे तो चलाते तो आए वो चीज़, कि मेरे बिल्कुल टीचिंग के लिए इसका क्या महत्व है, कैसे मैं अपनी टीचिंग को एनहांस कर सकता हूँ। अब मुझे पता है कि ये सच्चाई है, भविष्य में मुझे इससे लड़ना है, इससे बेहतर है कि मैं उसी सिस्टम से सीख के अपने आप को बेहतर बना लूँ। बिल्कुल अपने आप पर हाँ, को आप चेंज करते रहिए अडॉप्टेशन बहुत तो ज़रूरी है मैम, वो आप बने अडॉप्टेशन रहेंगे मार्केट में। बिल्कुल। डार्विन ने बहुत जी अच्छी बात कही ना, जी वही इस अर्थ पे जिंदा रह सकता है जो अडॉप्ट कर सकता है। बिल्कुल आपको बदलती हुई परिस्थितियों के साथ अडॉप्ट करना सर्वाइव होगा, करना आना आप रो चाहिए। नहीं सकते चीज़ों को लेकर। देखिए परिवर्तन हो चुका है, मैं जब भी एक विषय पढ़ाता हूँ क्लाइमेट चेंज, मैं हमेशा बोलता हूँ कि पहले दुनिया को ये स्वीकार करना होगा कि जलवायु परिवर्तन हो चुका हो है। चुका है बिल्कुल अब जब आप ये स्वीकार कर लेंगे तब आप टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे कि ये जो नया परिवर्तन आया है इससे हम कैसे लड़ेंगे। बिल्कुल, क्योंकि माइंड अभी वहीं लगा हुआ है ना कि अरे ये क्या हाँ, हो रहा ये है। क्या हो रहा है, पहले एक्सेप्ट कर लो कि भाई ये बस हो बस चुका है, बस ये हो अब चुका है, क्या। अब क्या है। अब बिल्कुल जैसे आप एक्सेप्ट करते हैं ना तो आपका रास्ते खुल जाते हैं। जी जैसे मान लीजिए मैम, जैसे मैंने सिविल सेवा की तैयारी की, एक समय के बाद मुझे लगा कि मैं तैयारी नहीं कर सकता, मुझे टीचिंग में ही जाना और यही मेरा पैशन है क्योंकि मैं इसको पैशनेट होके करता हूँ। पहले मैंने एक्सेप्ट किया कि नहीं अब मैं इसमें नहीं जा सकता, तब बिल्कुल मैंने अपना पूरा फोकस टीचिंग में लगाया। मैं हमेशा दोस्तों से कहता हूँ दो नाव पर सवार मत रहिए, ठीक है, एक डिसीजन लीजिए फिर उसको आगे बढ़िए, आगे बिल्कुल बढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो अभी से जो बैकअप होते हैं छोटे छोटे, ये आपके यहाँ आपकी हेल्प करते हैं, कभी भी अगर आपको लगता है कि आपके पास रास्ते नहीं है, एक बार इंटरनेट पर जाकर के देखिए, अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं और वो सच में आपका वेट कर रहे हैं, आप जाके देखिए। लेकिन मैम इसी बीच में मैं थोड़ा सा आपको अवेयर भी कर दूँ कि इसी बीच में साइबर क्राइम साइबर फ्रॉड भी बहुत होते हैं, तो दोस्तों पहली बार जब आप इन चीज़ों में जाएंगे बहुत मेक श्योर कीजिए कि आप किसी साइबर फ्रॉड का हिस्सा ना बन जाए। ठीक है, स्किल्ड होके लिंक्डइन पर जाके विश्वसनीय जो कंपनियां होती हैं उन्हीं पर आपको भरोसा करना है, क्योंकि हाल ही में मैंने देखा है बहुत से बच्चे हैं जो इनका हिस्सा बने, जॉब ऑफर हुई, कुछ पैसे डिपॉजिट करा लिए, जी तो बिल्कुल इनसे भी आपको बचना है जब आप इन चीज़ों को देखेंगे सीख करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल एक थोड़ा हटके क्वेश्चन मैं आपसे हाँ करूंगी कि बार बार की असफलता से अक्सर हुँ. लोग नेगेटिव हो जाते हैं ना, मानसिक तनाव होना स्वाभाविक है उनके लिए, तो इससे बचने के लिए आप क्या सलाह देंगे? मम्मी ये एक ऐसी चीज़ है कि ये होना स्वाभाविक है, इवन मैं ये नहीं कहूँगा कि बार बार की सफलता, अगर हमारा दिन बुरा चला जाए, बिल्कुल एग्जाम्पल के लिए कि अगर मैं आज इंटरव्यू दे रहा हूँ, थैंकफुली अब तक आपके कॉपरेशन की वजह से इंटरव्यू अच्छा जा रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए यही इंटरव्यू मेरा ख़राब चला जाता तो आप माने ना माने पर मुझे दिन भर मलाल रहता, मेरा मेरा दिन अच्छा नहीं जाता, मुझे रात भर ये बात हमेशा लगती कि यार ये क्या हो गया। ठीक है, तो बुरा तो लगता है, और आप लोग कितना भी कह लें कि उन्हें मेंटल प्रेशर नहीं आता, प्रेशर आता है, हमें हर दिन प्रेशर आता है, हमारा सिलेबस कंप्लीट कराना, ये एक सच्चाई है। लेकिन यहाँ पर मैं वही बात करूँगा, पहले आप एक्सेप्ट कीजिए कि आप दुखी हैं, दुखी हो ही ना, दुखी होना बुरा नहीं है, लेकिन उससे बाहर निकलना ज़रूरी है।
और देखिए, टाइमली। टाइमली एक बार आपने दुख मना लिया कि हाँ यार ये गलती हो गई है, पश्चाताप होना इसलिए जरूरी है मैम, जब तक आप रिग्रेट करते हैं ना तब तक मुझे लगता है कि आपके अंदर की इंसानियत भी जिंदा रहती है। बिल्कुल अगर आपको बुरा ही नहीं लगता, मान लीजिए कि मैं आपके ऊपर यहाँ पानी गिरा दूँ और मुझे थोड़ा भी रिग्रेट फील ना हो, तो ये दिखाता है कि मैं कितना इनसेंसिटिव हो चुका हूँ, बिल्कुल और इनसेंसिटिव होना अच्छा नहीं होता। तो बुरा लगना अच्छी बात है, रिग्रेट फील होना अच्छी बात है, लेकिन फिर उसको एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ मुझसे गलती हुई है, मैं इसको अगले बार नहीं दोहराऊंगा और अब समय है कि मैं इससे बाहर निकलूँ। ठीक है, तो पेपर में दो तरह के लोग होंगे जो इस प्रकार की मानसिक स्थिति में आएंगे। पहले वो लोग होंगे जिनके पास शायद ये पहला या आखिरी अटेम्प्ट था, तो बिल्कुल उनके लिए तो निश्चित तौर पे बहुत बुरी कंडीशन है, क्योंकि अब उनके पास अटेम्प्ट नहीं बचे नहीं हैं बचे और हैं। उन्हें अब दूसरा कुछ करना होगा। तो ऐसे में मैं सिर्फ वही कहूँगा जो भी हम चर्चा कर रहे थे, जी कि ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि बस यही मेरी जिंदगी का पूर्ण विराम था, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा लाइफ। आपको नहीं पता कि आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी है। बिल्कुल फिर मैं वही उदाहरण दूंगा, जो बड़े बड़े लोग हैं, आज खान सर जैसे लोग जो भारत को इतने महान टीचर मिल पाए, जी ठीक है, विकास सर जैसे लोग, अगर ये तैयारी ही करते रहते, सिविल सेवा ही करते रहते, तो क्या हमें इतने महान लोग मिलते? सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक उनकी है, जगह कहीं और कहीं बनाई और होती। थी जो उन्हें वहां भेजा गया है। बिल्कुल, तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि जी आपकी जिंदगी का यहाँ पर पूर्ण विराम नहीं लगता। आप अगर एक बार सीख करेंगे कि नहीं अभी मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मेरे अंदर मेहनत करने की क्षमता तो है, मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मैं कुछ कर लूँगा, तो आपको निश्चित तौर पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। दूसरे वो लोग होते हैं जो पहला दूसरा अटेम्प्ट देते हैं, असफल होते हैं, फिर उनके पास और भी मौके हैं, तो उस समय पर खड़े होकर के आपको ये सोचना चाहिए कि आपकी गलतियाँ क्या क्या हैं, क्या इन चीज़ों को रेक्टिफाई किया जा सकता है। जो शुरुआत में मैंने चार पाँच बिंदु आपको बताए कि ये चार पांच बिंदु आप याद रखिए, जो गलतियां आपने की, क्या वो गलतियां आप कर रहे थे? अगर कर रहे थे तो उन्हें रेक्टिफाई कीजिए और आगे बढ़िए, तो वो ज़्यादा बेहतर है, इंस्टेड कि आप उस रिग्रेट में हमेशा रहे आए। बिल्कुल। क्या आपकी एकेडमी किसी तरह के नोट्स भी प्रोवाइड कराती है आउटसाइडर्स को? नहीं अभी तक तो नहीं मैम, क्योंकि हमारा पूरा बिलीव इसी बात पर है, वह नोट्स हैं बट हम क्लास में ही नोट्स बनवाते हैं, क्योंकि ये परीक्षा का पैटर्न ऐसा है कि लिखना बहुत ज़रूरी है, तो अभी तो हम इसमें पैटर्न तैयारी करा रहे हैं, पर आगे जी जाके निश्चित तौर पे हम तैयारी कराएंगे। बाकी मेरा फ्री कंटेंट तो अवेलेबल है ही यूट्यूब पर, जितने भी लोग हैं वो सर्च कर सकते हैं शुभम गुप्ता, तो ईजिली अवेलेबल हो जाता है। ओके। आपका विजन क्या है? अगले कुछ सालों में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? मैं मेरा विज़न बड़ा स्पष्ट है, मुझे अभी भी वही बात याद है जो मेरे फादर जी के साथ हुई कि उन्हें जी लोन लेकर के मुझे पढ़ाना पड़ा। जी मेरा विज़न बड़ा स्पष्ट है कि मुझे बच्चों तक अफोर्डेबल एजुकेशन पहुंचाना है। मैं सच में चाहता हूं मैम कि कोई भी बच्चा जो तैयारी करना चाहता है वो एजुकेशन से पीछे ना रहे। ऑफलाइन कोचिंग की फ़ीस मुझे लगता है कि जो क्रांतिकारी कदम हमने उठाया कि MP में हम 35,000 रुपये फीस लेकर के आए हैं, वो क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। ठीक है, मुझे लगता है सबसे वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज हैं जो यहाँ पढ़ा रहे हैं। हमने 35,000 में ये पूरी की पूरी प्रिपरेशन को, ऑफलाइन प्रिपरेशन को बच्चों के सामने रखा है, जो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। जी और अभी तो मैम 35 है क्योंकि हमारे पास बच्चे नहीं हैं, कल हमारे पास बच्चे बढ़ेंगे तो हम इस फीस को और कम करेंगे। हमें एजुकेशन को इतना अफोर्डेबल बनाना है कि मैं चाहता हूँ कि 20,000 रुपये लेकर के मैं बच्चों को ऑफलाइन तैयारी करा सकूँ, क्योंकि अभी भी मेरा थोड़ा सा जो रुझान है वो ये है कि सिविल सेवा की तैयारी में कुछ ऐसे फेजेस हैं जहां आपको टीचर के साथ रहना ज़रूरी है, बिल्कुल बाकी ऑनलाइन प्रिपरेशन निश्चित तौर पे बहुत अच्छी है। जी और जैसे खान सर के साथ मैं जुड़ा हूँ तो वहाँ हम लोग सिर्फ 4,500 रुपये में एजुकेशन को प्रोवाइड करा रहे जी हैं, इससे अच्छा और क्या हो सकता है, बिल्कुल कि ऑनलाइन एजुकेशन भी बहुत अच्छी है। और ऑफलाइन में जो मेरा उद्देश्य है वो यही है कि मुझे बच्चों तक अफोर्डेबल एजुकेशन लेकर के जाना है। अभी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, अभी कोशिश है कि अब बड़ी मात्रा में बच्चे निकलें, और मुझे बहुत खुशी होती है मैम कि जब एक ऐसा बच्चा सिलेक्ट हो जाए जिसकी उम्मीद कई बार हम नहीं करते, हमें लगता बिल्कुल है कि यार ये बच्चा शायद ना कर पाए, लेकिन वो हमें सरप्राइज कर देता है। क्यों? क्योंकि वो आपकी बातों को सुनता है क्लास में बैठ करके, कि सर ने बताया कि ये पांच गलतियां हमें नहीं करनी, वो नहीं करेगा, और वो धीरे धीरे कछुए की चाल चलते चलते एक की जगह दूसरे साल में उसका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। तो ये मेरा उद्देश्य है कि बच्चे निकलें और एजुकेशन बहुत अफोर्डेबल हो सके, विशेष तौर बिल्कुल पर ना सिर्फ सिविल सेवा की, जितने भी एग्जाम हैं। मैं तो रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि जो लोग IIT वगैरह की कोचिंग चलाते हैं, रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी प्रयास करें, क्योंकि आप नहीं जानते कि भारत में जो बच्चे हैं 12th के बाद वो किस बैकग्राउंड से आते हैं। जब आप उनसे 1 साल की 1 लाख रुपए फीस लेते हैं, आप उस बैकग्राउंड को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो 1 लाख रुपए कहाँ से अरेंज कर रहे हैं।
मैम आईआईटी का सिलेबस तो छोटा है, जब पीएससी का सिलेबस इतना बड़ा है, अगर हम उसको 30-35 हज़ार में ला सकते हैं, तो जितने भी बड़े संस्थान हैं जो तैयारी करवाते हैं आईआईटी वगैरह की, वो भी उससे मुझे लगता है 20 से 25 हज़ार में ला सकते हैं, ताकि बच्चों तक वो अफोर्डेबल चीज़ें पहुँचें। सर सबकी सोच एक सी नहीं होती ना, आप कुछ देना चाहते हैं समाज को, वो कुछ लेना चाहते हैं समाज से, तो कैसे पॉसिबल हो सकता बिल्कुल, है? संभावना यही, कोशिश यही है कि और अच्छे लोग आएंगे। और सच में मैम ऑनलाइन एजुकेशन ने जो अफोर्डेबिलिटी दी है दुनिया जी को, जी वो मतलब अलग ही है। बिल्कुल कोविड से निश्चित तौर पर बहुत नुकसान हुआ है, जी, पर मैं वही आ शिक्षा रही थी कि का, कोविड में आपको क्या हाँ परेशानियां देखिए, आई। कोविड में मैम ऑफलाइन कोचिंग का तो बहुत नुकसान हुआ जी है, बिल्कुल अनडाउटेडली बिल्कुल जितने भी ऑफलाइन को इंस्टीट्यूट थे वो रहे, लेकिन बहुत से इंस्टीट्यूट बंद हो गए। लेकिन मैम मैं फिर भी कहता हूँ कि कोविड शिक्षा के लिए क्रांतिकारी रहा। कोविड ने बिल्कुल यह बता दिया लोगों को कि कम पैसे में आप किस तरह तैयारी कर सकते कम पैसे हैं, में में भी, अच्छी तैयारी। और जी बिल्कुल बिल्कुल, आज आप देखिए मैम कि बहुत से बच्चे हैं जो सपना नहीं देखते थे यूपीएससी का, आज यूपीएससी की फीस भी 8 हज़ार 10 हज़ार रुपए है। ठीक है, 10-10 हज़ार रुपए खान सर के प्लेटफॉर्म पर ही मैं देखता हूँ। आप मतलब मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं संस्थान से जुड़ा हूँ, सच में भारत के सबसे अच्छे टीचर पढ़ा रहे हैं, और फीस कितनी, 7500, 10 हज़ार। तो वो सपना लोगों तक आज पहुंच पाया किसकी वजह से, कोविड की वजह से। क्योंकि कोविड में लोगों ने देखना शुरू किया और हाँ लोगों ने बिल्कुल ये समझा कि ऑनलाइन भी तैयारी हो सकती है, संभव है। तो बिल्कुल मेरे मुझे लगता है कि ये शिक्षा के लिए जो कोविड है, खासतौर पे तैयारी वाली स्कूल की शिक्षा के लिए बुरा रहा है, क्योंकि स्कूल जाना तो ज़रूरी था, और बच्चों का जो स्कूल मिस हुआ है उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। लेकिन जब आप दूसरे पहलू को देखते हैं, तो ये जो प्रतियोगी परीक्षा है, इसके लिए क्रांतिकारी रहा, बच्चों को बहुत अफोर्डेबल एजुकेशन इससे मिली है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, थैंक यू सो और मच। पीएससी यूपीएससी के बारे में इतनी बारीकियां हमें बताने के लिए बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद मैम, थैंक यू। आपका। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को भी इससे बहुत बहुत कुछ चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी, और थैंक यू सी टाइम्स, एंड थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। तो हम बात कर रहे थे शुभम सर से, जो जिन्होंने पीएससी और यूपीएससी की तैयारियों के बारे में और क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए काफ़ी डिटेल में और बहुत क्लैरिटी के साथ हमें बताया। उम्मीद करते हैं आप इससे लाभ ज़रूर उठाएंगे। इसी तरह और भी जानकारियां लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार।